नमस्कार, आपका स्वागत है मम्मीज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल्की बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मम्मीज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फुल्की, जो कि आटे की बना रहे हैं। इससे देखिए सामग्री क्या क्या है। एक कटोरी आटा और उसी के बराबर हम सूजी लेंगे। तो हम दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटे और सूजी को अच्छे से मिलाना है। इसमें हल्का सा खाने का सोडा डालेंगे, एक पिंच। हम ये देखिए, एक चुटकी खाने का सोडा डाले हैं। ये मिला लिए हैं। इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक से ये आटा पसीज जाएगा, गीला होने लगेगा। इसलिए हम अब इसको आटा को गूथ लेंगे। देखिए मिल गया है। थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के आटा को, जैसे हम पूड़ी का आटा करते हैं वैसे ही गूथना है इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करना है। देखिए हमने ये आटा को गूंथ लिया है। ये हमको पूड़ी के जैसे करना है, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसके जैसे करते हैं। और इसको हम गीला कपड़ा डाल देंगे, गीले कपड़े से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए ये हमने जो आटा मार के रखा हुआ था गूंथ के, ये देखिए 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। ये पट्टी में हमने तेल लगा के इसको अच्छे से मस लेंगे। इसको अच्छे से मसलते जाएंगे, चिकना करेंगे। देखिए ये हमने आटे को अच्छा मसल के देखो कितना सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। इसकी हम लोइयां बना लेंगे छोटी छोटी सी। ये हम लोइयां काट लेंगे छोटी छोटी सी, एक बराबर। इनको हम सब में तेल लगा लेंगे अच्छे से। तेल लगा के इसको ऐसे दबा देंगे। हमने सारे आटे की लोइयां बना के प्रेस करके ये लोइयां बना के रख ली हैं। अब हम इनको बेलना बताएंगे। और हमको इसको गीले कपड़े से ढक के रखना है। देखिए ये ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए।
देखिए हमने ये सारी फुलकियाँ बेल लिए हैं और अब ना तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। इसको हम गीले कपड़े के में ढाँप के रखते हैं ऐसे, जिसमें इसमें नमी बनी रहे ऐसे। ये हमारा ये तेल गरम हो गया है और ये फुलकियाँ डाल रहे हैं। हम इसको पलट लेंगे। और इनको हम ज़्यादा सुनहरा होने तक सेकते रहेंगे। देखिए ये हमारी गोल्डन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ऐसे करके हमें ना सारी जो फुलकियाँ बनाई हैं वो सारी तल लेंगे। हमारी कितनी अच्छी फूली हैं, इनको हम पूरा सुनहरा लाल कर लेंगे फिर निकालेंगे। इनको हमेशा तेज आंच में सेकना पड़ता है और इनको गोल्डन कर देते हैं पूरे। ये देखिए हम इनको निकाल लेंगे। अब देखिए हमारी ये फुलकियाँ, देखो कितनी अच्छी फूली हुई हैं, पूरी की पूरी फूली हुई हैं और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हैं। देखिए ये देखिए अभी एकदम गर्म है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।